अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। मैं हूँ आपका अब्बास सल्ला वाला। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जायज़ कैश से ट्रेडिंग करके आप कैसे पैसे कमा सकते हो, यानी कि आप शेयर ख़रीद सकते हो। जैसे लोग कहते हैं कि फलाना बंदा जो है शेयर का काम करता है, शेयर ख़रीदता है फलानी कंपनी के, वो बेचता है, तो आप जायज़ कैश से ये काम कर सकोगे। तो लर्न टू इन्वेस्ट इस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद ये ऑप्शन आपका खुल जाएगा। ये अभी ये प्रैक्टिस के लिए मुझे 10,50,000 दिए गए हैं कि इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कि कुछ चीज़ें ख़रीद के बेच सकते हो, आप कैसे ट्रेड करके आप मुनाफा कमा सकते हो। तो आपको मार्केट पे जाना है, मार्केट के जाने के बाद ये रेड कलर जो है इसमें ये शेयर नीचे जा रहे हैं, तो ये जो सब्ज़ कलर है इसके जो शेयर हैं ऊपर जा रहे हैं, यानी कि ये सब्ज़ कलर जो है ये इसके पैसे जो हैं ये बंदे कमा रहे हैं, और जो रेड कलर में है वो नुकसान में जा रहे हैं सारे जो भी हैं। तो आप मुख्तलिफ़ कंपनियों के शेयर ख़रीद सकते हो, जैसे कि FFC के हो गए, किसी बैंक के हो गए, PPL के हो गए, और ये देखें सारे आ रहे हैं। तो टॉप चेंजर्स पे जाओगे तो यहाँ पे जो भी हैं सारे कमा रहे हैं, सारे सब्ज़ वाले हैं। तो इसके 60,500 शेयर अभी हैं, तो 22 रुपये का इसका एक शेयर है, तो इसके 25,000 शेयर पड़े हैं, ये 34 रुपये का एक शेयर है। कोई भी शेयर मैं आपको ख़रीद के दिखाता हूँ, फ़र्ज़ करो मैं ये जो शेयर पड़े हैं 60,000 इस पे जाते हैं, तो मैं बाय करके भी आपको दिखाता हूँ, तो 22.99 रुपये का ये शेयर है, इसको बाय करते हैं। बाय करने के बाद नंबर ऑफ शेयर, आप कितने शेयर ख़रीदना चाहते हो, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे 100 शेयर चाहिए, 100 शेयर पे ऑर्डर करता हूँ मैं 22,000 कि ये शेयर हैं कंफर्म। ये सुबह से मार्केट शुरू होती है तकरीबन 8 से 9 बजे और शाम को 5 बजे बंद हो जाती है। ये जुम्मे के दिन 2 बजे अपना जो है 12 बजे से 2 बजे तक ये बंद रहती है मार्केट। तो ऐसे आप शेयर ख़रीद भी सकते हैं, ये सेल भी कर सकते हैं, सामने सेल का भी ऑप्शन है। सामने देखें UBL के शेयर आप ख़रीद सकते हैं, और SCBPL के, APL के, तो सारों के आप शेयर ख़रीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको जहन लगाना पड़ेगा, आप सीख जाएंगे कुछ दिनों में। तो अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, आपका गुलाम अब्बास, दुआओं में याद रखना, पाकिस्तान जिंदाबाद।